मैसे के अजीम बाबर के जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ न्यूजामा देखने वालों को मेरा सलाम मेरा नाम बाबर मेनअल है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं और इस प्रोग्राम के वसीला से आप उन ख़ानदान तक पहुँचते हैं जिनको आपकी किसी ना किसी तरीके से मदद दरकार होती है और मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम मैं जो करता हूं ये इसी मकसद के लिए ही है कि उन लोगों तक जहां दूसरे लोग नहीं पहुंच पाते हम वहां पर जाते हैं उन लोगों को आपसे मुतारफ़ करवाते हैं कि आप देखें कि किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इनको आप लोगों की मदद की अशद ज़रूरत है आज मैं इसी तरह से एक ख़ानदान में मौजूद हूँ और इस खानदान की जो मुझे स्टोरी पता चली तो मेरा दिल बहुत उदास हुआ और मैंने ये ज़रूरी समझा कि इन बेटियों की ये जो मेरे साथ दोनों बेटियाँ बैठी हैं इनकी ये जो सारी रुदाद है वो आप तक ले कर रहा हूँ हुआ कुछ इस तरह से है जो मैंने इनकी वालदा से पूछा इनके डैड से पूछा कि ये बच्चियाँ जब पैदा हुई तो बिल्कुल ठीक थी इनको ठीक से मुराद के नज़र बिनाई इनकी जो थी वो बिल्कुल ठीक थी और जैसे जैसे ये बच्चियाँ अपनी उम्र में बढ़ती गईं तकरीबन दस साल तक इनको बिल्कुल ठीक नज़र आता था लेकिन दस साल के बाद आश्टा, आश्टा, जब ये बारह तेरह साल की हुई तो इनको नज़र आना कम हो गया और इवन के जब फोर्टीन फिफ्टीन तक ये गई हैं चौदह पंद्रह साल की उम्र तक इनको बिल्कुल ही नज़र आना बंद हो गया और जब मैंने पूछा कि इनके वालदेन से कि क्या आपने इस मद में कोई किसी डॉक्टर से रबता किया या कहीं पर आपने इनको चेकअप के लिए लेकर गए तो उन्होंने बताया कि हम काफ़ी जगहों पर जिनमें मशहूर है जना हॉस्पिटल इसके अलावा मेरे पास ये एक पूरी फाइल पड़ी हुई है डॉक्टर्स के हवाले से ही मुख्तफ़ जगहों पर इन्होंने जाकर अपनी बेटियों का इलाज के लिए गए लेकिन कुछ भी ऐसा ना हो सका कि वो बिनाई दोबारा वापस आ सके तो इसको जो मैंने स्टडी किया था आफ्टर इनके से मिलने के बाद तो इसको कहते हैं विजन एम्पेयरमेंट तो विजन एम्पेयरमेंट की तो ये हमें समझ है कि आहिस्ता आहिस्ता नज़र कुछ एज के साथ जब एज बढ़ती है तब कम होती है तो लेकिन ये बच्चियाँ अभी जिस तरह से सन्यास में दाखिल हुई तो इनकी नज़र बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ दह बात थी इनके पेरेंट्स जो हैं वो कोई इतने मालदार नहीं है गरीब घराने से ताल्लुक़ है इनका इनके जो वालद हैं वो सैनिटरी वर्कर हैं और वालदा भी लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी लेकिन अब बेटियाँ जवान हैं और घर में इनकी मूवमेंट जो थी वो काफ़ी मुश्किल हो रही थी तो अब उन्होंने भी वो अपनी मुलाजमत छोड़ दी है तो अपनी बेटियों के साथ ही वो रहती हैं जो भी काम है इनके या घरेलू जो भी काम काज है वो इनके साथ मतलब वो रहती हैं अभी मैं आपकी बात करवाऊंगा इनकी वालदा से कि किस तरह से और कब ये हुआ तो आपने इनके, इनके इलाज के लिए क्या क्या कुछ किया तो ज़रूर आप इनकी मदर से इनकी माँ से ये दुख भरी कहानी सुन सकते हैं जी, जी मैं मैंने इनको बहुत जगह पे हॉस्पिटलों में चेक वगैरह करवाया अच्छा। तो उन्होंने ना कहा नहीं, नहीं हो सकता तो एक ही जगह पर या तो जाती रही दो तीन साल उधर फिर मैं सर्विस में गई हूँ उधर वो नहर के पास में उधर गई काफी जगह पे गई प्राइवेट डॉक्टर्स के अभी मैं देख रहा हूँ कुछ है करवाए हैं सब कुछ करवाया पर नहीं उनको वो कर पीछे से रोशनी नहीं है अच्छा तो ये मुझे बताएं कि जब ये बेटियाँ दस साल तक आपने मुझे बताया था कि इनको नज़र आता था बाद में कम तो उस वैसे वैसे बड़ी है वैसे वैसे नज़र कम होती कम होती है अच्छा तो क्या मशवरा वगैरह कोई दिया कोई उन्होंने चेकअप तो किया तो कोई उन्होंने मतलब कोई कोशिश भी की थी आंखों पे ऐसे टीके वगैरह अंदर लगाते थे तो बाद में उन्होंने फिर कहा नहीं सही नहीं हो सकते अच्छा ये मुझे बताइए ये बेटी की एक आंख ठीक है ठीक से के मतलब वो पूरी खुल रही है लेकिन दूसरी जो आंख है वो बंद है ये क्या हुआ है वो मैंने सरवस हॉस्पिटल से ऑपरेशन करवाया था कि बदल बच जाएगी सही हो जाएगी तो नहीं अच्छा उन्होंने ऑपरेट किया आपसे पूछ के कि हम कोशिश करते हैं पहले रिस्क लेते एक सही होगी तो फिर दूसरी को। तो वो नहीं सही। अच्छा तो आप अभी मतलब बेटियों के साथ घर में रहती हैं घर में रहती तो गुजर बसर जैसे आपने बताया था कि आपके जो शोहर हैं वो सैनिटरी वर्कर हैं की वजह से फिर मैंने काम छोड़ दिया तो आपने इन्हें कहीं मतलब जो स्पेशल एजुकेशन है कुछ उसमें भी किसी स्कूल में आप गए लेके जिस तरह से ये बच्ची अभी दो तीन स्कूल में गई हैं तो वो कह रहे थे इनको ब्लैक बोर्ड पे नजर नहीं आता तो नहीं दो कुछ साल गई हैं बस अच्छा तो जाने जाने की मुश्किल होती थी पक, पकड़ के लेके जाए तो फिर जब पता चला कि नजर ही नहीं आता तो फिर मैंने छुड़ा दी ये बड़ी दुख की बात है जवान जिस तरह से बेटियां हो रही हैं तो अब नज़र नहीं आ रहा आगे भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जी नाजिन आपने इनकी वालदा की जबानी सुना के इन्होंने काफ़ी इलाज के लिए मुख्तफ़ हॉस्पिटल्स में गए जो आई हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की और जिस तरह से उन्होंने बताया कि सर्विस हॉस्पिटल में ये लेकर गए थे तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम एक कोशिश करते हैं कि अगर इनको नज़र आ जाए तो हम फिर दूसरी आंख का भी ऑपरेट करेंगे लेकिन खुदावंद बेहतर जानता है हर बात को हर काम को उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बेटी के बेटी दिखाना ज़रा उन्होंने ऑपरेट किया था लेकिन वो फिर कामयाब नहीं हो सका तो मेरी आपसे गुजारिश है जितने भी देखने वाले हैं आप ज़रूर कोई इन्हें अच्छे मशवरे से आगाह कर सकते हैं जिस तरह से आप पहले लास्ट प्रोग्राम में भी आपने एक ख़ानदान की भरपूर तरीके से मदद की उसके इलाज की गर्ज से आप बकायदा मुझे पता है कि काफ़ी हमारे जो व्यूवर्स थे उन्होंने उनसे रबता किया और उनको हॉस्पिटल तक लेकर गए और उनका ऑपरेट भी करवाया था और जितने भी अखराज थे वो हमारे उन्हीं व्यूवर्स ने वो बर्दाश्त किए थे तो मेरी बहुत आपसे दर्दी के साथ हमदर्दाना रिक्वेस्ट है अपील है कि आप इन दोनों बेटियों के लिए ज़रूर कोई ऐसी जगह कोई ऐसा हॉस्पिटल कोई ऐसा क्लिनिक कोई ऐसा डॉक्टर सुजेस्ट कर सकते हैं इनको बता सकते हैं नीचे स्क्रीन पर आप इनका नंबर देख रहे हैं कि वो चल रहा है तो आप उस नंबर पर रबता कर इनकी इन बेटियों की किसी न किसी तरीके से मदद कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इतने वसाइल बिल्कुल नहीं हैं अभी मेरे कैमरा मैन ने जिस तरह से आपको दिखाया है घर की हालत है तो ये ग्रीन टाउन पांच ब्लॉक वहाँ के रिहायशी हैं आप खुद भी इनके घर आ सकते हैं इनको विजिट कर सकते हैं और जो कुछ आपसे मज़ीद इन बेटियों के लिए हो सकता है आप ज़रूर कीजिएगा नाजिन अभी हम दोनों बेटियों से भी बात करेंगे जिन्होंने पहले इस खूबसूरत दुनिया को वो देखती रही हैं और जब अभी जैसे जैसे इनकी उम्र मैंने आपको बताया बड़ी और नज़र कम आना शुरू हो गया तो अब इस क्रब की हालत में जब ये देख नहीं पा रही तो इन पर क्या गुजरी है तो मैं ज़रूर इनसे बात करना चाहूँगा जी बेटा मारिया आपका क्या हाल है ठीक है तो बेटा जब आप नजर आना बंद होना शुरू हुआ तो आपने अपने तो आप तो आप चार, सारा कुछ जी तो इसके लिए क्या किया जाए आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी कौम को कि वो आपके लिए क्या करे जी मैं कहना चाहूंगी कि वो हमारी हेल्प करेल्प करे, हल्प करे। जी नाजरीन बेटियाँ आप समझ सकते हैं कि जिसको नजर आना बंद हो जाए और जिसने ये खूबसूरत दुनिया खूबसूरत चीज़ें परिंदे दरख्त और जो भी कुदरती नज़ारे जिसने देखा और उसको नज़र आना एकदम से बंद हो जाए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी तो अभी मैं बेटी महक से भी पूछूंगा कि बेटी अपनी कॉम को आप क्या कहना चाहते हैं कौम से क्या रिक्वेस्ट है आपकी इस बिनाई के हवाले से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए हेल्प करें और हमारे लिए प्रे करें कि हमारी फिर से बिनाई वापस आ जाए जी खुदावंद ज़रूर करेगा जितने भी हमारे पास्टर हजरात हैं बिशप साहब हैं जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं स्पेशली डॉक्टर्स जो आई स्पेशलिस्ट हैं मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा और अपने पास्टर बिशप हजरात से कि इनको अपनी इज्ती दवाओं में अपनी पर्सनल प्रेयर्स में इस घराने को इन दोनों बेटियों को ज़रूर याद रखें क्योंकि खुदावंद यसुमसी जो शिफा का मम्बा है वो ज़रूर अपनी शिफा इन पर उंडेलेगा लेगा और ये दोबारा मेरा फेथ है मेरा ईमान है जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो हर बंद दरवाज़ा उसके नाम से खुल जाता है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिस तरह से आपने देखा दोनों बेटियों ने रिक्वेस्ट की है कि हम फिर से इस दुनिया को देखना चाहते हैं इसकी रंगीनियों से महजूज़ होना चाहते हैं तो आप जरूर इनके लिए कुछ करें नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहा है आप इनको बुला सकते हैं अपने क्लिनिक में अपने हॉस्पिटल्स में और इनके इलाज की मद में जो कुछ आपसे बंद पड़ता है आप ज़रूर कीजिएगा बेटा मारिया अगर ये बिनाई आपकी जो चली गई है ना जाती और आप पढ़ाई जिस तरह से आप पहले कर रही थी करते तो आप क्या बनना चाहते थे मुझे ज्यादा स्टडी का शौक था कि मुझे स्टडी और मैं अच्छे तरीके से अब पढ़ सकूं और क्या चाहते थे आप डॉक्टर वगैरह या कुछ और ठीक है तो बेटा महक आप भी मुझे आपकी मदर ने बताया है कि आप पढ़ते रहे हैं तो स्टडी में भी आप बहुत अच्छे थे तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते तो आप क्या बनना चाहते थे पार्लर का शौक था और काम वगैरह कोई कोई भी कोई भी काम मिल जाए मुझे शौक था वगैरा आप ब्यूटिशियन बनना चाहते ओके। जी नाजीन हर बच्चे के दिल में ख्वाब होते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा जिस तरह से मेरा भी एक ख्वाब था कि मैंने वो बनना है मुझे बड़ी बहुत ज्यादा ये मुझ में क्रेज़ था कि मैं स्क्रीन पर नज़र आऊं और आज वो मेरा ड्रीम खुदा ने पूरा किया है तो इसी तरह से हर आदमी का हर बच्चे का ये कोई ना कोई ख्वाब होता है तो आपने देखा कि दोनों बेटियों ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बेटी ने बताया कि मैं ब्यूटिशन बनना चाहती थी लेकिन इस बिनाई के जाने से इस कमज़ोरी से इनके पास अब वो कोई ऐसा जरिया नहीं रहा कि वो दोबारा अपने इस ख्वाब को पा सकें तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इन बेटियों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुझे बहुत दुख हुआ है अगर हम चंद मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें और हर तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आए महसूस हो तो हमारी जिंदगियों में एक पूरा खला बन जाएगा तो मैं यही चाहता हूं कि आप जरूर इन बेटियों की हेल्प करें शुक्रिया